Hi friends, welcome to the desk. Friends, आज का ऐसे है माई फेवरेट फेस्टिवल दिवाली. माई फेवरेट फेस्टिवल का मतलब होता है मेरा पसंदीदा त्यौहार. सबके अपने अपने पसंदीदा त्यौहार होते हैं, मेरा भी अपना पसंदीदा त्यौहार है. तो आपको माई फेवरेट फेस्टिवल पर ऐसे लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे. अगर आपका फेवरेट दिवाली है तो ऐसे लिखेंगे. देर आर मैनी फेस्टिवल्स बट दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल. बहुत सारे त्यौहार होते हैं लेकिन दिवाली मेरा पसंदीदा त्यौहार है. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली प्रकाश का त्यौहार है. सभी जानते हैं कि इस दिन कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ और दीपक जलाए जाते हैं चारों तरफ, तो ये प्रकाश का त्यौहार कहलाता है. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया. यह वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल बड़े त्योहारों में से, यानी कि सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जो इंडिया में मनाया जाता है. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से ये एक त्यौहार है. माय मॉम लाइट्स कैंडल्स एंड डेकोरेट्स आवर हाउस विथ रंगोली. मेरी माँ मोमबत्तियाँ जलाती हैं और घर को रंगोली से सजाती हैं. वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन दिस डे. हम लोग पहनते हैं, वियर मतलब पहनना होता है, न्यू क्लोथ्स मतलब नए कपड़े. हम लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं. वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली. हम लोग दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. आई एन्जॉय दिस फेस्टिवल विथ फुल जॉय. मैं इस त्यौहार को पूरे आनंद से मजे करता हूँ. माई मॉम कुक्स डिफरेंट स्वीट्स ऑन दिस डे. इस दिन मेरी माँ विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ बनाती हैं. आई लाइक टू मेक रंगोली. मैं रंगोली बनाना पसंद करती हूँ, यानी मुझे रंगोली बनाना अच्छा लगता है. तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल. 14 साल के वनवास के बाद लॉर्ड रामा यानी भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ऐसे? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा. आपको जब भी माय फेवरेट फेस्टिवल पर ऐसे लिखने के लिए आए, आप इस तरह से लिख सकते हैं. और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद.